सचिन बंसल ने बिनी बंसल के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट कंपनी की शुरुआत किया। साल 2018 तक फ्लिपकार्ट कंपनी का वैल्यूएशन 20 बिलियन डॉलर था और साल 2018 में बंसल ने फ्लिपकार्ट में अपना 515 स्टॉक रखा था। लेकिन सचिन बंसल ने 2018 में अपना स्टॉक अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी को बेच दिया जो कि लगभग 1 बिलियन डॉलर था। दोस्तों साल 2018 में उन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से भी इस्तीफा दे दिया और उसका कारण उन्होंने अपने कुछ निजी प्रोडक्ट्स पर काम करने का हवाला देते हुए बताया। दोस्तों आज सचिन बंसल नवी टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बने हुए हैं। शुरुआती जीवन बंसल ने बिनी के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट कंपनी की शुरुआत किया लेकिन वह अब वॉलमार्ट का हिस्सा है जो अमेरिका की कंपनी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सचिन बंसल के बारे में कि उन्होंने क्यों फ्लिपकार्ट से इस्तीफा दिया और वो फ्लिपकार्ट से मिला पैसा को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनसे जुड़ी कई सारी चीजें, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सचिन बंसल का जन्म 5 अगस्त 1981 में पंजाब के चंडीगढ़ शहर में हुआ था। वैसे तो उनका पिता बिजनेसमैन था और माता एक हाउसवाइफ था। बंसल ने IIT दिल्ली से अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई पूरा करने के बाद 2006 में उन्होंने अमेजन कंपनी में एक वेब सर्विसेज के नौकरी किया। फिर उन्होंने बिनी बंसल के साथ फ्लिपकार्ट की शुरुआत किया और 2007 में उन्होंने अपना अमेजन कंपनी से इस्तीफा दे दिया और 2007 में उन्होंने 4 लाख रुपये इन्वेस्ट कर ऑनलाइन बुक स्टोर फ्लिपकार्ट की शुरुआत किया। दोस्तों फ्लिपकार्ट छोड़ने के बाद दिसंबर 2018 में बंसल ने BSE एकेशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना किया जिसका उद्देश्य बिल्डिंग बनाना और नए नए टेक्नोलॉजी लाना है। इसके अलावा उन्होंने 18 नए इन्वेस्टमेंट कर रखा है लोकल कंपनीज में जो ऐसे स्टार्टअप हैं जो अर्ली स्टेज पर हैं। दोस्तों उन्होंने ओला कंपनी में 100 मिलियन डॉलर के भी इन्वेस्ट किया है जिसके साथ उन्होंने ओला कैब में अपना 0.37% का हिस्सेदारी अपना नाम किया है और अभी हाल में वह नवी टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दोस्तों अगर उनके निजी जीवन की बात करते हैं तो सचिन बंसल ने प्रिया बंसल से शादी किया है जो एक डेंटिस्ट है और उनका एक बेटा भी है और साल 2013 में द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2015 में फोर्ब्स इंडिया के अनुसार वह भारत के 86वें सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन भी रह चुके हैं। तो दोस्तों सचिन बंसल का फ्लिपकार्ट से इस्तीफा देने का मेन उद्देश्य था अपने निजी प्रोडक्ट्स और दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना था। जानकारी के लिए बता दें कि सचिन बंसल को वॉलमार्ट की तरफ से 1 बिलियन डॉलर का भुगतान मिला था जो एक बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों काम तो हर कोई करता है, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ अपनी पसंद का करना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं। हमें जीवन में जो कुछ चाहिए उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और इसी का एक उदाहरण है फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए, बायोग्राफीज के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।